और विनोद खन्ना के निधन पर बात करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं अभिनेता, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, आज के दिन किस तरह से आप विनोद खन्ना को याद करेंगे? उनके निधन की खबर आई है। I just heard and it is so sad to know about it. I don't believe it even now. He was very close to me. We have worked in many films together. His first film, in my first film, Mera Gaon Mera Desh, he played the villain. And in many pictures we worked together. In spite of that, he was a great human being. उसकी कमी तो हमेशा महसूस होगी, ज्यादा क्या है। मैं जी आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। धर्मेंद्र जी, आप जाहिर सी बात है उन्हें जिस तरह से समय याद कर रहे हैं, लेकिन जान आप उनकी कोई एक अच्छी याद अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि लोग आज के दिन उनको उस तरह से याद करेंगे, उनकी तस्वीरें देखेंगे, उनकी फिल्मों के बारे में जिक्र करेंगे, उनकी एक कोई अच्छी याद आपके साथ जुड़ी हुई हो, आपके दिल से जुड़ी हो। देखिए, हम दोनों साथ जब काम करते थे हम डबल यूज नहीं करते थे। वी यूज टू डू आवर स्टंट्स आवरसेल्फ्स। क्लाइमेक्स में मुझे उसको थोड़ा पीटना था बेचारे को विद घोड़ी की वो रकाब से, और वो उस वक्त बोला नहीं कुछ, उसके शॉट दिए, सब हुआ, गिरते पड़ते रहे। और शाम को ऐसे नहाने लगे तो मैंने स्पीड पे देखा कितने नुकसान आए, कितने निशान थे, तो उस पर हमने बाजी, वो तो फिर शॉट को देने थे। उसमें बहुत पेशेंस था, ही वाज स्ट्रांग, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, करना है तो करना ही है। एंड ही डिड व्हाटएवर ही इट केम इन हिज माइंड, ऑलवेज स्ट्रांग पर्सन, अफेक्शनेट। एंड बहुत सी यादें, अब क्या मैं यादें करने में थोड़ी बैठूंगा। मैं दुखी हूँ इस वक्त, बहुत दुखी हूँ। आप मुझे ऐसा ये बात मत पूछिए कोई, प्लीज जी। सैड फॉर मी। ओके जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, अगर आप बताना चाहें और आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ, क्योंकि विनोद खन्ना को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वो किस तरह से अपने स्टारडम को छोड़कर ओशो के आश्रम में चले गए थे और वहां जाकर वो माली बन गए। मैंने कहा ना, मैं इस तफसील में इस वक्त जाने की मेरे कोई बहुत मेरे दिमाग में आता ही नहीं कुछ। इस वक्त मेरे दिमाग में बस यही है जी, हम समझ सकते हैं। अपना विनोद को खो दिया बस जी, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। इस दुख की घड़ी में जितनी आपने हमसे बात की उसका कुछ सोचता नहीं इस वक्त उसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। अभिनेता धर्मेंद्र जो याद कर रहे थे और उनका कहना कि ये दुख की घड़ी है उनके लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।